प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा सीट अम्बाला छावनी का चुनाव भी बहुत दिलचस्प हो गया है। एक ओर जहां अनिल विज जैसे दिग्गज भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर परविंदर परी हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तीसरी ओर कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के विभिन्न राष्ट्रीय पदों पर रही चित्रा सरवारा हैं, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। चित्रा सरवारा लगातार लोगों के बीच उनके घर द्वार पर जाकर वोटों की अपील कर रही हैं। बतौर महिला होने के नाते चित्रा को लोगों का, खासकर महिलाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। चित्रा का कहना है कि वे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खासकर विकास के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। आज एक बहुत बड़ा बदलाव मोड़ पर है और ये बदलाव जरूरी भी है। वही मुद्दे रख रहे जो हमने दस्ताव बताए, चाहे अम्बाला की गली थे, खड्डों के थे, ड्रेनेज गार्बेज सीवरेज के थे, बाजार जो हमारे आज की तारीख में दबे पड़े हैं, इंडस्ट्री के हैं, ISI मार्केट है, अम्बाला की बिजली का है, फ्री रूल का, और उसके साथ ही कुछ नैतिक मुद्दे भी हम आज उठा रहे हैं। इसके अंदर अहंकार भी आता है, संयुक्त अम्बाला बन कर बैठे। अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो आज लोग कहते हैं जो आज के किसान मारे थे वो इन्हीं की गृह मंत्री के अंदर हुआ था, तो हम उसको भूले नहीं। तो आज एक बहुत बड़ा बदलाव मोड़ पे है, जरूरी भी है और मैं समझती हूँ कि अटल है एक तरह से। तो आज जो जरूरी है कि अब दोबारा अम्बाला में बदलाव होगा और अम्बाला को कैच तक में वापस चुनाव हो गया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक ही नैतिक चुनाव है। तो इस चुनाव के अंदर हमें पूरा विश्वास है जनता और बीजेपी को आशीर्वाद। अब 10 साल जो हमने जमीन पर लोगों के बीच इलाके के मुद्दों की जो लड़ाई लड़ी है उस पर मोहर देखिए जी, बहुत सारी ज्वाइनिंग हो रही हैं और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वर्ग हो, समाज हो, कोई भी किसी भी जगह से लोग आ रहे हैं, आज बदलाव का है और उनको पता है कि लड़ाई आज के अनिल विज और अनिल विज जी को हराना जैसे मकसद रखते हैं आज जो लोग हमारे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस साथ के लिए हम आभारी भी हैं और हम आपको यही आश्वासन दे सकते हैं आपके मकसद से कि उनकी बेटी आने वाले समय से आने वाली सरकार अम्बाला के रिश्ते। कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज चित्रा सरवारा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है और चुनाव मैदान में जमकर पसीना बहा रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी चित्रा सरवारा चुनावी मैदान में किसे नुकसान पहुंचाती हैं और किसे फायदा, या फिर इनका आजाद रूप से चुनाव लड़ना खुद इनके लिए ही फायदेमंद साबित होता है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।